अच्छा हमारे सिद्धार्थ सेठानी साहब भी एसपीएल के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वो केमिकल स्पेस पर बड़ी पकड़ रखते हैं। मुझे जहां तक याद है अभी हाल ही में एमई ऑर्गेनिक्स रिकमेंड भी कर रहे हैं सर उन्होंने, है ना, उनके रेडार सेठी साहब की लिस्ट में तो कई बार रहा है मुझे पता है। सिद्धार्थ जी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में? बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, मेरे पूरी रिकमेंडेशन लिस्ट में है और ये 900 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं। यहां से भी लगता है कि एमई ऑर्गेनिक का जो हमने टारगेट रखा है करीबन 1280 का रखा है। नतीजे थोड़े से मिक्स बैक थे बट आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे काफी मजबूत रह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जोरदार जंप हो सकती है। तो एमई ऑर्गेनिक जो मैनेजमेंट ने कहा है पूरा कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस हो सकता है स्टॉक। बिल्कुल, तो बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है एमी ऑर्गेनिक, सिद्धार्थ जी का तो पूरा भरोसा है और केमिकल स्टॉक्स पर तो उनकी जबरदस्त पकड़ है भी। तो यह है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स का मैनेजमेंट और स्टॉक पर भी नजरिया, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं हमारे एसपीएल मिड कैप्स शो के मेहमानों का। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ, सिद्धार्थ जी लॉन्ग टर्म पिक बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। लॉन्ग टर्म पिक जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी हुई कंपनी है और बात तो समझ ही गए होंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी कैम्स। कैम्स म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट है और फाइनेंशियल फ्रीडम म्यूचुअल फंड डेफिनेटली देता है। एमएफ इंडस्ट्री जो है 13 से 14% सीएजीआर ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में, बट कैम्स एआईएफ पीएमएस सर्विसेज भी करती है और उसका मार्केट लीडर है, करीबन 140 एआईएफ और पीएमएसएस की सर्विस देती है। ये बिजनेस में सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर है कैम्स में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। 15 से 20% एयूएम म्यूचुअल फंड का एयूएम ग्रो हो सकते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में। तो कैम्स पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 2800 रुपए का, 2800। 2800 के टारगेट के लिए कैम्स में करें खरीदारी। हमारी स्पेशल 25 की लिस्ट में कैम्स शामिल हुआ था। हमने भी कहा कि भाई ये है वो स्टॉक जो आपको अगले 25 सालों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने का इरादा अगर आप रखते हैं, एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का इरादा रखते हैं शेयरों का, तो उसमें ये फिट हो सकता है। आइए सिद्धार्थ जी बताएं सर पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो याद है देश दुनिया और पोर्टफोलियो के शॉक को अब्सॉर्ब करने वाली कंपनी है ये, और ये शॉक अब्सॉर्बर बनाने वाली कंपनी है गैब्रियल इंडिया। बहुत बड़ी टॉप 10 शॉक अब्सॉर्बर बनाने वाली कंपनी दुनिया की। यहाँ पे भारत में से कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज, पैसेंजर व्हीकल, ऑटोमोबाइल सब जगह सप्लाई करती है। अगर देखा जाए तो 65% शॉक अब्सॉर्बर टू व्हीलर के इनके लगते हैं, अगर 22% पैसेंजर व्हीकल के शॉक अब्सॉर्बर गैब्रियल के लगते हैं और 13% रेलवे और कमर्शियल व्हीकल के भी गैब्रियल के ही लगते हैं। Q1 के मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। अभी जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है मारुति की ग्रैंड विटारा, शॉक अब्सॉर्बर गैब्रियल के है। XUV 700 शॉक अब्सॉर्बर गैब्रियल के है। तो मैं मानता हूं कि 36% सीएजीआर ग्रोथ परसेंट सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय है। 161 का टारगेट रहेगा गैब्रियल इंडिया। तो गैब्रियल इंडिया इस पर करनी है आपको खरीदारी, ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपका कौन सा स्टॉक है आज 10 की कमाई के लिए? देखिए शॉर्ट टर्म दीपांशु जो स्टॉक है ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, 45% का रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है, दीपक फर्टिलाइजर। मैंने गेनिंग ग्राउंड में सिप की सिप में दिया था 620 में 890, 45% रिटर्न हो गया। अभी फिर से खरीदारी की राय है 980 के टारगेट के लिए। क्यों? नतीजे दमदार, 230% का नतीजे, प्रॉफिट्स में जंप, मुनाफों में जंप देखने मिला, 60% के करीब रेवेन्यू में जंप, और ये बनाता है 10 टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। तो दीपक फर्टिलाइजर पे खरीदारी कराई है, दमदार स्टॉक, रेवेन्यू भी डबल होंगे आने वाले 2-3 सालों में, खरीदिए 980 के टारगेट के लिए। टारगेट के लिए दीपक फर्टिलाइजर 880 में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अच्छी गेंस आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। एग्रोकेमिकल पर तो हम भी काफी बुलिश हैं और सिद्धार्थ जी भी कई बार ये स्टॉक्स रेकमेंड भी कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ एसपीएल मिड कैप्स में, तो उन्होंने बेहतरीन पिक्स दी हैं, बट एक स्पेशल पिक आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, तो बिगुल उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सिद्धार्थ जी, रंग सब जगह अच्छे लगते हैं, तो रंगारंग स्टॉक है ये बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म जो टारगेट आपको रखना है बर्जर पेंट पे वो है 695 का टारगेट रखना है बर्जर पेंट्स पे, लंबे समय के लिए 732 का। Q1 के वॉल्यूम्स के नंबर बहुत मजबूत दिखे थे, 35% ग्रोथ दिखा था,
पिछले तीन साल से 17% सीएजी ऐसे ग्रो कर रहा है बर्जर पेंट्स ऑन द डेकोरेटिव पेंट साइड, और रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है कच्चा तेल ये नरम होते हुए इसके मार्जिन्स सीधा रॉकेट हो जाएंगे। तो 18% रेवेन्यू से सीएजी ग्रो हो सकती है दो सालों के लिए। बर्जर पेंट्स मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 695 का टारगेट हासिल हो सकता है इस स्टॉक पे। ओके, तो 695 का ट्रेडिंग टारगेट ले लीजिए, और थोड़ा अगर पोजीशन भी बनाएंगे तो 732 का भी लेवल आ सकता है। बट बर्जर पेंट्स पर अच्छी मूव आ रही है और स्टॉक भी मोमेंटम में है। एस्ट्रल का चार्ट भी अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव सुबह से आई है, 3.5% ऊपर एस्ट्रल भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। थोड़ा ऊपर से अभी फिसला है बट 3.5% ऊपर एस्ट्रल भी आपको दिख रहा है, तो ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। कुछ कुछ काउंटर्स हैं जो आज के बाजार में आपको अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं। फिर से दीप को इजाजत दीजिए और हमारे सारे एक्सपर्ट से भी हम विदा लेंगे, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, मुदित जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोपहर के शो में फिर से मुलाकात होगी। आज तो वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का भी शो है, बिल्कुल ढेर सारे नतीजे भी है, तो भरपूर एक्शन रहेगा। बीच में आपके पास थोड़ा समय है, अगर आपका कोई शो फिक्स नहीं है जाकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम आप निपटा सकते हैं, और नहीं तो शाम के लिए रख लीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में जाने से पहले देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।